कितना सुंदर पंडाल और उसमें विराज रहे। और ये पंडाल सुंदर क्यों है? क्योंकि उसमें आज विराजमान हैं मेरे परम प्यार सद्गुरुदेव नंदिनी मासी भगवान सार प्रभु स्वामी जी। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और हम जयकारा भी ना लगाए। और देखो मैंने अभी मत्थे टेका था तो मुझे रवि जी ने टाइम दे दिया, तो ये मेरी किस्मत है। तो आप भी जयकारा बोल करके अपने सोए हुए भाग को जगाए। बोलो शिवनगरी निवासी भगवान की जय, बोलो जादू परमस्याल जी महाराज की जय, बोलो शिवजातम भगवान की जय, बोलो सच्ची सरकार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। मन किया मैं जब चला, थोड़ी सी भी आवाज बोलता हूँ, हमारे कानों में तो आवाज आई नहीं थी। तो मन किया कि मैं रामनवमी के अवसर पर भाई रविंद्र भाटिया जी से भजन सुना करता था, पदयात्रा में भजन सुना करता था। तो मैंने चलते चलते डायरी में से फोटो खींच ली, मैंने कहा आज भजन बोलना है और रवि जी ने आज टाइम दे दिया। और जुगल जोड़ी सरकार संत सारदानंद जी महाराज, संत अधारशक्तानंद जी महाराज, जिनका अथाह आशीर्वाद गुरु कृपा से हमारे ऊपर है कि हम गुरु दरबार से लगातार जुड़े हुए हैं, मन भटका नहीं। तो रामनवमी पर ये भजन जरूर बोला जाता था, गुरु महाराज जी का लिखा हुआ, तो मैं वही भजन बोल रहा हूँ, सभी ने साथ देना है। राम नाम गुण गावे मनवा, राम नाम गुण गावे, राम नाम गुण गावे मनवा, राम नाम गुण गावे, राम नाम गुण गावे मनवा, राम नाम गुण गावे। हरे बोलो राम नाम गुण गावे, अंदर झाली लगा रे मनवा, राम नाम
बर्फ पूजनी बाई जी बड़ा ही मार्मिक पतन सत्सन के प्रभाव से रिवे सुना रहे थे कि सदगुरु जो नाम उपदेश देते हैं और जो हम लोग देते हैं नाम उपदेश, लेकिन ध्यान दर्शन श्री गुरु महाराज जी का, तो ये उसी की बात है जो गुरुदेव कर रहे मेरे साथ प्रभु अंदर आवे बाहर आवे Bye.